ही हमारे नसीब इतनी खराब थी। ये 2020 में क्या क्या चल रहा है, कोरोना, कोविड, पैंडमिक, लॉकडाउन, बैन, गोन, अब इनको हम कपड़ा ट्राई करते वक्त देखें और उस पर फिर हम कॉमेंट्री करें, यही हमारी जिंदगी रह गई है। हाँ, किस जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान मुझसे, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। सबकी औलादे हैं अच्छी अच्छी, एक ही है और उसपे ये हॉल कराती है मुझसे जबरदस्ती। मैं तो सच बता रही हूँ, इससे ज्यादा तुम लोगों से तंग आ गई हूँ। तुम लोग जब तक माता जी हॉल, माता जी हॉल, माता जी हॉल, कोई आके मेरे घर में मेरा काम करता है, खाना बनाता है मेरे लिए? नहीं, बस मैं सब छोड़ छाड़ के तुम लोगों के लिए हॉल करूँ, इस मनुष्य की शक्ल देखूँ। तो मजा मुझे भी आता है इसकी बेइज्जती करने में, वो बात अलग है। बच्चों, आज का हॉल ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम सिर्फ नमूने के कपड़े नहीं देखेंगे, हम नमूने के उन कपड़ों में देखेंगे। अलग ही मजा है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम सबके जीवन में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये नालायक जो भी पहन के आएगी हम उसका मजाक उड़ाएंगे। सारे तैयार हो जाओ, फैमिली को बुला लो, आज तो फैमिली साथ में देख लेगी। ये देखिए, इसके टॉप पे हीरे मोती लगे, मैडोना। नहीं, इनको लग रहा है हीरे मोती पहन लूंगी बड़ी रॉयल लग जाऊंगी, बड़ी वो पतौड़ी खानदान की वो लग जाएंगी। बेटा, हीरे मोती पहनने से शक्ल नहीं अच्छी हो जाती। नहीं, आप बताइए, कौवे जैसी शक्ल एक तो इनकी, उसपे हीरा मोती पहना है इन्होंने। अरे, हीरे मोती की जो चमकार है, जो ब्राइटनेस है, वो सब तुम्हारी शक्ल की वजह से दब गया है। मम्मी, असली हीरे मोती नहीं है, नकली है। अच्छा बेटा, मुझे पता है वो नकली है, तुम्हारी औकात भी है असली पहनने की। मुझे सिखा रहे मम्मी, असली नहीं है, नकली है। नकली पहनने लायक ही हो तुम, पर हम कह रहे हैं कि उस मत पहनो ना। जहाँ पे भी हीरे मोती होंगे उनको ऑफेंड होता होगा कि भाई किसने हमको पहन लिया है। मत किया करो ये सब, जो चीज तुम पे अच्छी लगती है वही पहनो, कूड़ा कचरा, जाओ। ये भगवान, आप लोग गवाह हैं, इतिहास गवाह है, पीछे के हॉल्स देखिए, हमने कितने बार इसको टोका है, इस नालायक को, कि ये ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन जो है हमें बहुत बुरा लगता है। अब तो हमने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है, इसके जो मन में आए वो करे, मुझे क्या। ये तो वैसे भी पागल डिक्लेयर हो चुकी है पूरी दुनिया में, हमारा नाम तो वैसे ही थोड़ा बहुत जो था वो खराब हो गया है। अब जब खराब हो ही गया तो क्या करना, अपना पीस ऑफ माइंड क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर ये मैं आपको बता रही हूँ, एक सिंपल लॉजिक बताती हूँ, ये जो इसका ये जो ड्रेसिंग सेंस है, ये जो कपड़ा है, ये हम दोनों की कंबाइंड लाइफ का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये जो व्हाइट शर्ट है ये हमारी जिंदगी है, और इस पे ये जो काले काले धब्बे हैं, जो डॉट्स है, वो ये और उसकी करतूते हैं। तो हमारी सफेद सफेद अच्छी जिंदगी में ये काला धब्बा बन के बैठी है। और वो स्कर्ट देखिए, वो स्कर्ट एकदम इसके जीवन के रंग को दर्शाता है, एकदम डिट्टो। एक तो आधा पूरा पैसा देते हैं ये स्कर्ट का ये लड़कियां, और आधा आधा स्कर्ट लेके आती है दुकान से। ऊपर से रंग देखिए, उदास और अधूरा। मम्मी, ये कलर आजकल ट्रेंड कर रहा है, न्यू कलर, फैशनेबल है, सपोज टू मेक यू लुक क्लासी और मॉडर्न लुक देता है। ओ जो जो, वो बढ़िया ही क्लासी बनने वाली, वॉनबी कहीं की निकम्मी, ये क्लासी बनेंगी। नाक में उंगली करके पर्दे में पोंछती है ये, और अभी सबके सामने इनको बड़ा क्लासी बनना है। अरे क्लासी बनना है तो आप नॉर्मली भी क्लासी रहिए, नहीं बस दिखावटी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे क्लासी बनेंगी, क्लासी। ये भगवान, फिर से काला कपड़ा। मुझे पता है आप लोगों का एक्सपेक्टेशन मुझसे यही है कि माता जब रिएक्ट करेंगी क्योंकि ये नालायक ने काला कपड़ा पहन लिया है, पर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने रिएक्ट करना ही छोड़ दिया है। इसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी कूल, सैवेज, स्मार्ट, इंटेलिजेंट मम्मी से बदला कैसे लूं। तो इसके लिए वही काम करती है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। पर देखिए, हमने भी अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि हमने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए सच में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अब हम इसको कुछ नहीं कहते कि भैया तो जैसी है वैसी रहेगी, हम क्यों अपना मूड खराब करें, इसको काला पहनने काला पहनने, इसका दिमाग ही काला है, इसकी बुद्धि काली है। कितने बार कोई समझाएगा, एक बार, दो बार, 10 बार बोल चुके हैं, आप लोग गवाह हैं, आप लोग बताइए। मुंह देखिए इसका, इसको लगता है ब्लैक कपड़ा पहन के बड़ी स्लिम ट्रिम लगती है, ऑस्कर के अवार्ड जैसी लगती है, काली भैंस, बस तालाब में जाके पड़ी एकदम डिट्टो लगेगी, एकदम डिट्टो। अभी बाथरूम में इसको बिठा के दिखाया आप लोगों, चलो बेटा बाथरूम में बैठे। टू मच कह रही है, हम बता रहे इतना। देखो, अब हमने ना चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लिया, ये हमें चिढ़ाएगी, हम चिढ़ेंगे ही नहीं, हम चिढ़ेंगे ही नहीं। भैंस लग रही हो बेटा, बिल्कुल भैंस ही लग रही हो, भैंस काम भी आता है बच्चों लोगों के, ये तो इतनी नालायक भैंस है, कोई काम नहीं आती हमारे। मम्मी यार, पता है मुझे आपको ब्लैक नहीं पसंद है, लेकिन आई वेयर ब्लैक बिकॉज़ आई लव इट।
आई बड़ी जनरल डायर अपनी गंदी जबान से अंग्रेजी फूंक रही है, तो यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे ना, मुंह टूट जाएगा। हमसे जबान मत लड़ाया करो, तुम भैंस लग रहे हो तो बैठ के वहां पे ऐसे करो, हाँ चलो। कभी कभी काला कपड़ा अच्छा लगता है, अब इसको बोल देंगे ना तो इसको मोटिवेशन मिल जाएगा, तो हर बार पहनेगी। इसके लिए हम नहीं बोलते हैं, सर पे कौन चढ़ा है भाई इनको, मतलब इनको भी अच्छा लगता है काला कपड़ा लेकिन बोलती नहीं है, ईगो हर्ट हो जाएगा। हमें नीचे का प्लाजो पैंट जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, गोल्डन गोल्डन, लेकिन ये कुर्ते का क्या कलर है? तुमको और तुमको हुआ क्या है? काला वाला छोड़ के अब तुम इसके पीछे दीवानी होती घूम रही हो? हाँ, ऐसी शक्ल वाला इंसान स्पेशली थोड़ा ब्राइट कलर पहनता है, लाल पीला गुलाबी, जिससे उसके थके हारे चेहरे पे निखार आए। तो ये एक ही कलर लेके आ जाती है, जब देखो तब मुंह उठा के, मम्मी प्लीज ये कपड़ा एक्चुअल में अच्छा है, इसकी आप बुराई नहीं कर सकते। सर आप सच बताइए, डीप डाउन आपको भी अच्छा लग रहा ना, ये आपको भी पता ही अच्छा है। बेटा डीप डाउन तो हमें ये भी पता है कि तुम नालायक थी, हो और हमेशा रहोगी, पर उसका क्या करें अब? डीप डाउन थॉट्स थोड़ी उसका कुछ कर सकता है कोई इंसान, अब वो है तो है, चाहे हम कितना भी तंग आ गए हो तुमसे, हो तो तुम मेरी सगी औलाद, बाल पकड़ के दीवार पे पटक के तुमको बाहर तो निकाल नहीं सकते, ये सब बस हमारे मन में चलता है। भाई मारो मुझे मारो। जब भगवान आपसे बदला लेने के लिए आपको ऐसी औलाद देते हैं अपने इस जीवन में, तो आप क्या कर सकते हैं? हम रोज इनको दो अगरबत्ती लगा के सॉरी बोलते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं, सो कि भाई इतनी पता नहीं क्या पाप कर दिया था हमने पिछले जन्म में, जो इस जन्म में ये हुई है, पर अब कितना सॉरी बोलेंगे, कितनी दुखी है मेरी माँ बेचारी। ये क्या है, ये कैसा कपड़ा है? अंडरगारमेंट्स कोई हॉल में दिखाता है? ये चड्डी ये सब क्या दिखाते हैं हॉल में? अरे तुम छोटा चड्डी के साइज का कपड़ा पहनोगी तो उसको चड्डी कहा जाएगा, दुपट्टे को तो इंसान दुपट्टा ही कहेगा, इसको धोती थोड़ी, इसको साड़ी थोड़ी कहेगा। अब आप लोग बड़ा खिकी खिकी हंसते हैं, पिछले कितने हॉल में हम बोल चुके हैं ये सब तो ये जो अंदर पहना जाता है कपड़ों के वो वाले कपड़े हैं, चड्डा। चलो तुम्हारा फैशन है भाई, तुम कर भी रहे हो तो इस तरह से इस पे पैसा बर्बाद करना, आप अपनी मम्मियों को फोन दीजिए। नहीं हमें उनसे सीधे सीधे बात करनी है। इस रंग का इस प्रिंट में हमारे पास कितना चादर पड़ा है, हमारी पुरानी नाइटी मैक्सी सब पड़ी है, ये अगर बोलेगी तो हम उसको उसमें से काट के सील सील के बना देंगे, इसलिए चड्डा वैरायटी हो जाएगी भाई। एक चादर में चार चार चड्डियां बन सकती हैं, चार निकरे निकलेंगी, एक मैक्सी में भी चार निकरे निकलेंगी, तो कितना पैसा बचत हो जाएगा। पर नहीं, देखिए निकम्मी नालायक औलाद जाके मॉल में दुकान वाले को पैसा देके आएगी, ये नहीं बचत करें, अब इनको कौन सिखाएगा पैसे की वैल्यू? माँ बाप खटे पैसा कमाए और ये जाके निकरे खरीदेंगी। इतनी बिजी है मेरी बुराई करने में और ये शॉर्ट्स की बुराई करने में, टी शर्ट में इनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि ये लेज नहीं लेजी लिखा है। क्या है ये? नहीं पहना क्या है ये तुमने? ये किसका क्या कैसा कपड़ा है? पीपी किट पहन के आई है, बताइए ये पीपी किट कितनी सीरियस चीज है, कोई अच्छी बात है क्या? 2020 में सबको पता चल गया कि कोरोना है, ये सब हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं वो पीपी किट के पहन के खुद को बचा रहे हैं, और ये लोग फैशन के नाम पे उसको पहन रहे हैं। पीपी किट नहीं है यार, क्या सबको पीपी किट नहीं है? पीपी नहीं तो पीपी किट नहीं है तो ये क्या है? ये पूरा मास्क भी नहीं पहना है तुमने, ये वो भी इनकम्प्लीट फैशन। अरे ये वो ऐसे ट्रैक सूट टाइप है, वो रैपर लोग पहनते हैं ना, रैपर बता रही है, बताइए खुद को छिलका बता रही है। अब जब हम कहते हैं कि ये छिलके जैसे इसकी कोई औकात नहीं है, केले के छिलके जैसे कहीं भी पड़ी रहती है, कोई भी इस पे पैर के फिसल जाए तब इनको बड़ा बुरा लग जाता है, खुद अब इसने एक्सेप्ट किया कि ये रैपर है। रैपर? अरे वो रैप करते हैं गाना बादशाह अपना, इट्स योर बॉय बादशाह। कौन बादशाह? मसाला? नहीं हम दूसरा वाला यूज करते हैं। मसाला किधर आया बीच में? मसाला नहीं, एक गाना होता है वो मसाला नहीं गाना होता है, गाना होता है उसको जो ऐसे बहुत फास्ट फास्ट बोल के जो करते हैं उसको रैपर कहते हैं, वो रैपर नहीं, छिलका नहीं, गाना रैपर मसाला। अरे क्या ये आजकल के बच्चे पागल हैं एकदम, कुछ भी बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको पॉइंट क्या प्रूव करना है, इनको कहना क्या है, इनको बात करने का तरीका नहीं है, इतने बदतमीज है। बात क्या करनी है, क्या बोलना है, कुछ नहीं, कहीं से भी थोड़ा सा भी इनका सिंक नहीं होता है, और ये हमको ये चल के इनको लगता है ये हमें सिखाएंगे आज का फैशन और ट्रेंड। बेटा अपना गंदा मुंह लेके प्लीज यहाँ से चले जाइए, गेट लॉस्ट, शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं ही डैश थी जो इसमें आई। बेटा एक बात बताओ,
जब तुम शॉपिंग करने जाती हो बाहर तो अपना पर्स, वॉलेट, फोन, चाबी, कार्ड, पैसे सब लेके जाती हो, सब लेके जाती हो। बेटा दिमाग घर छूट जाता है क्या? नहीं नहीं, दिमाग अगर घर नहीं छूटता है तो 3-4 कपड़े एक ही रंग के कैसे कोई खरीदता है भाई? हम तो कभी इतनी बेवकूफी ना करें शॉपिंग करते वक्त। ये वही कलर, अरे मम्मी क्यों चिल्ला रही हो, ये वो कलर नहीं है, ये अलग कलर है। मे भी उसी उसमें आता होगा कैटेगरी में, बट शेड टोटली अलग है, एकदम अलग शेड है ये। अलग शेड, अलग शेड कौन सा लॉजिक है? ये आजकल की जनरेशन इतनी थर्ड क्लास है, अलग शेड, दिस इज वेरी डिफरेंट शेड गाइस। ये क्या होता है, कलर तो एक ही है, डार्क और लाइट से इतना क्या डिफरेंस हो जाता है? अरे हम हमें पूछिए, रेड साड़ी है तो उसमें कोई भी पेटीकोट चल जाता है, उसमें कलर आगे पीछे थोड़ी कुछ होता है, ये कौन सा लॉजिक है? और ये क्या है, ये हाथ ही नहीं है बताइए कपड़े में। ये लड़के आजकल, मम्मी सब अपनी मम्मी को बुलाइए, मम्मी को दीजिए फोन। ये बच्चियां पागल हो गई है, इतने पैसे में, जब आप इतना पैसा देते हैं तो इकोनॉमिकली आदमी क्या सोचता है, हम पूरे पूरे कपड़े लें। ये उतने पैसे के छोटे छोटे आधे आधे नंगे नंगे कपड़े लेके आती हैं ये लड़कियां, इनको लगता है बड़ा फैशन कर रहे हैं। हाथ ही नहीं है, जब BRA पहनेंगे तो दिखेगा नहीं, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा जीवन में? सपोर्ट इनको माँ बाप का सपोर्ट नहीं चाहिए, इनको BRA का सपोर्ट, इनको किसी चीज का सपोर्ट नहीं चाहिए। हम तंग आ गए, आज के बच्चे पैसे की वैल्यू कब सीखेंगे? 2000 का ड्रेस लाते हैं, उसमें से इतना छोटा ड्रेस, ना हाथ है ना पैर है, बताइए। एक ऐसा टॉवल ही लेके बांधना है, उसमें बेल्ट लगा लो पापा का, जब ड्रेस ही पहनना है उसी को ड्रेस कहा जा रहा है ना। अरे आप लाल कपड़ा लेके पहनिए उसको एक साल बाद वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, शेड डिफरेंट, न्यू क्लोथ, लॉजिक वही है ना। तो हम तो और आपको इजी वाला मेथड बता रहे हैं। हमने तो बोलना बंद कर दिया है, ये वीडियो के लिए बोलते हैं बस, जितना बोलते हैं वीडियो में बोलते हैं, उसके आगे पीछे हम तो नहीं बोलते। अब जाओ बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू मत बोलो, तुम्हें भी बता, मजाक कर रहे थे। इतने बार चिल्लाने पे एक बात मानती है ये। चलो कलर अच्छा है कुर्ते का, हमें अच्छा लग रहा है पर्सनली। देखिए ऐसे कपड़े पहनते हैं ना तो कैसे खुशी आती है चेहरे पे, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, और ये जो बदसूरत लोग होते हैं ये भी थोड़े बहुत खूबसूरत लग लेते हैं। अच्छा है कपड़ा, अच्छा है कलर, अच्छा है पैंट भी, अच्छा लग रहा है, बस इसकी शक्ल छुपा दीजिए, शक्ल हटा दीजिए तो पूरा कपड़ा अच्छा दिखेगा। हम तो आपको यकीन से कह रहे हैं, जो पुतली होती है ना दुकान में मैनीक्वीन, उस पर ज्यादा अच्छा लगता होगा, ये उसी को देख के लेके आई होगी अपने लिए, पर देखिए इस पे अब कैसा लगा है। कपड़ा अच्छा है, आप लेके पहनिएगा, आप पे अच्छा दिखेगा। ए मम्मी अभी इतना अच्छा पहना है फिर भी जानबूझ के बुराई कर रही हो आप मेरी, जानबूझ के। हाँ तो जब तुमको पता है हम जबरदस्ती बोलेंगे तो तुम क्यों हमें बिठाते हो यहाँ पे? हमने तो तुमको बोला नहीं बेटा कि चलिए आपके साथ हॉल करेंगे आपके सड़े हुए चैनल के लिए जिसको कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। सब्सक्राइबर नहीं बन रहा तो मैं क्या करूँ, मैं तो अच्छे वीडियो डालती हूँ, आधे से ज्यादा वीडियो में आप खुद होती हो तो भी नहीं कर रहे। जब तुम हमें इनवाइट कर रही हो कि मम्मी आई है मेरी बेइज्जती की, जब तुम मम्मी आके बेइज्जती करेगी ना बेटा, कॉम्प्लीमेंट के लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ये इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा, जब बेइज्जती वाला काम करने आए तो बेइज्जती करेंगे, उसमें झूठा मोटा कॉम्प्लीमेंट क्यों दे भाई तुमको? अब तो हमने अच्छा पहन लिया, अब तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। ये ऐसे नहीं, इसीलिए ये जो ये तुम लुच्चा गिरी करती हो ना, इसी वजह से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तुम्हारे, ऐसे नहीं करते। जब बेइज्जती कराने तो बेइज्जती कराओ बेटा, उसमें कॉम्प्लीमेंट का फिर एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। ये साला तुम लोग के चक्कर में एवरी टाइम आई हैव टू आस्क हर टू रोस्ट मी, अपनी इज्जत में ये करवाती हूँ मम्मी से, फिर भी साला तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों ऐसा करते हो, मतलब कुछ रीजन है तो डिस्कस करते हैं बैठ के। लेकिन अगर ऐसा हॉल अच्छा लगता है, फॉर विच यू गाइस आस्क सो मेनी टाइम्स इन अंडर एवरी वीडियोस कॉमेंट सेक्शन, तो कॉमेंट करके बताना कैसा लगा। ओके और हैप्पी दिवाली, नहीं पता नहीं दिवाली रहेगी नहीं। डोंट फॉरगेट टू टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, और जो उसमें लॉजिक ढूंढ रहा है ना ग्रे ब्लू कलर, तुम खेलते रहो कलर कलर, विच कलर डू यू वांट, मजाक था जो, जस्ट किडिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।